नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। आप सभी को मालूम है पैराजम्बल लेकर के आया हूं मैं आपके SBI क्लर्क और PO के लिए, ठीक है। तो इससे पहले एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका था, वो आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है, और अगर आपको नहीं मिला तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से जाकर उसे देख लेना। लास्ट में मैंने सब कुछ, वो बेसिक क्लास भी थी, उसमें एक क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया था और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। तो आपने वहाँ पे हालांकि कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर दिए हैं वो मैंने देख लिए हैं ऑलरेडी। अब जो है, अब आपके लिए मैं उस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखिए उसका आंसर होना क्या था एक्चुअली में, कैसे सॉल्व करना था उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया था। तो प्रॉब्लम नंबर 1 दिया था, अब उसका बता रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जरा शुरू करते हैं। नंबर 1, इंडियाज वरीज ऑन दैट काउंट। आपको मालूम है सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहला काम है आपको नंबर 1 सेंटेंस स्टार्टिंग ढूंढना। स्टार्टिंग ढूंढने के लिए क्या क्या बताया था जरा देखिए यहाँ पे, इंडियाज वरीज ऑन दैट अकाउंट मे बी लिमिटेड, इतना इतना, वो सब छोड़ो। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, दैट मतलब ये आपका शुरुआत नहीं हो सकता। आगे देखो क्या लगा है, दिस नहीं हो सकती आपकी शुरुआत। क्या लगा है यहाँ पर भी, दिस, ये भी आपकी शुरुआत नहीं हो सकती। आगे देखेंगे, ट्रेड इज एक्सपेक्टेड, हाँ अब ये मिल गया है मुझे, है ना, ये हो सकता है मेरा नंबर 1 पॉइंट। क्लियर हो रही बात, देखा आपने किस तरह से मैं नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। दैट मालूम है ना प्रोनाउन किसके बारे में, इसको अगर समझोगे तो ऐसा होगा, इंडिया वरीज ऑन दैट अकाउंट, किस अकाउंट पर भाई, तो पहले तो वो बताना पड़ेगा, और अगर ऐसा है तो फिर ये पहली बात नहीं होगी, फिर कहीं और एक बात छुपी हुई है, समझ गए, कोई और बात है, ये उसके बाद की बात है, समझ पाए। यानी दैट, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उतना मत जाओ, दैट से नहीं हो सकता, दिस से नहीं हो सकता, फिर से दिस नहीं हो सकता। हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर दूर दूर अभी कुछ नहीं मिला है, तभी मैं इसे मान के चलूंगा, ठीक है, ये मेरा हो सकता है। आगे गया, इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर नीड्स टू बी, ये भी नहीं मालूम, तो ये भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। यानी मुझे 2 पर डाउट है, या तो मेरा ये पहला वाला होगा या तो मेरा ये वाला पहला होगा। आगे चलते हैं, क्या लिख दिया भाई यहाँ पर, मालूम है ना बट क्या होता है, एक तरह का कनेक्टर। क्लियर हो बात, कनेक्टर भी आपका नंबर 1 नहीं हो सकता है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं, ना ये है, बाकी ये ऊपर की भी नहीं है, सिर्फ डी और ई में से कोई नंबर 1 होगा। अब कौन सा वाला नंबर होगा भाई, कौन सा वाला होगा, कैसे मालूम चलेगा आपको, अब यहाँ पे काम आता है थोड़ा सा पूरा पढ़ने का, जो हम करते भी है भाई। पहला वाला पढ़ लो, ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू गेट, क्या लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा वहां पर, मोर, याद है मैंने क्या बोला था, मोर कौन सी डिग्री होती है, सेकंड डिग्री होती है, याद है सभी को, सेकंड डिग्री, और सेकंड डिग्री यहां पर तभी लिखी जा सकती है इससे पहले जब कोई सेंटेंस आना चाहिए, उससे उसके अलावा नहीं लिखा जा सकता। और आगे देख लो यहां पे, आगे चल लेते हैं और पढ़ लेते हैं, कुछ मिलता है हमें तो ठीक है। विद द US प्रेसिडेंट इलेक्ट थ्रेटनिंग टू रिव्यू मल्टीलेटरल ट्रेड डील्स एज वेल एज इतना इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड दुनिया ने पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है, समझ में नहीं आया हमें, जाने दो सर, समझने की जरूरत भी नहीं है उसे, ट्रांसलेशन करना भी नहीं है। ये तो दिख गया जो मैंने आपको बोला था, आपको मैंने कहा था कि इससे पहले भी एक सेंटेंस होगा तभी आप मोर लिख पाओगे। चलो जरा देखते हैं और कहीं कुछ लिखा है, अभी वाला पढ़ लो, इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर नीड्स टू बी स्ट्रेंथन, ठीक है अभी तक तो, विद स्टैंड चेंजेस दैट कुड टेक प्लेस इन वर्ल्ड ट्रेड लेड बाय डिसरप्शन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब छोड़ो। यहां पर क्या दिखा आपको, वर्ल्ड ट्रेड, और जरा यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ट्रेड। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल उसी तरह का है कि पहले तो मैं पूरा नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने याद है बताया था आपको, पहले हम पूरा क्या लिखते हैं किसी चीज़ का फुल फॉर्म, फिर बाद में उसे क्या कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो वर्ल्ड ट्रेड क्या हो गया, फुल फॉर्म, फिर बार बार मैं वर्ल्ड ट्रेड नहीं लिखूंगा, और अब क्या लिखता चले जाऊंगा, सिर्फ ट्रेड ट्रेड ट्रेड। क्लियर हुआ, तो क्या हो गया, ये बिल्कुल नाउन था तो ये उसका प्रोनाउन है, अगर ये फुल फॉर्म है तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ये पहले आएगा और ये उसके बाद में आएगा। तो क्या हुआ भाई, यानी ये वाला मेरा एक्चुअली में बिल्कुल नंबर 1 होगा, और क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है ये, इसलिए इसका सेकंड होगा। यानी कि अरेंजमेंट शुरू करेंगे, 2 जोड़ी में मिल चुकी है, नंबर 1 भी मिल गया और नंबर E और D, है ना, इसे ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे लिखना 2, कौन कौन सा अरेंज हुआ, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 पे किसको लिखा आपने, ई को, सॉरी नंबर 1 पे किसको लिखा आपने, ई को, और फिर ई के बाद क्या आएगा वहां पर, डी। 2 अरेंज हो गए, सभी को दिख रहा है, आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है, आपको बस समझते आना सुनते आना है मुझे। क्लियर हुआ, ये वाला है ना, इस तरह से काम हुआ इसका, वर्ल्ड ट्रेड पूरा नाम, ट्रेड लिखा छोटा नाम, और एक और तरीका क्या था यहाँ पे, इसी सेंटेंस में मोर भी लगा था, मोर भी कह रहा था कि इससे पहले एक और सेंटेंस आना चाहिए, जो आपने अच्छे से मुझे सीख लिया था। क्लियर हुआ, तो आपको ट्रेड दिखता तो भी पहचान लेते, मोर दिखता तो भी पहचान लेते, हर हालत में ये सेंटेंस बाद में ही आना था, मोर के हिसाब से भी और सिर्फ ट्रेड लिखा था उसके हिसाब से भी, क्योंकि पूरा का वो वर्ड ही क्या है, वर्ल्ड ट्रेड, पहले फुल फॉर्म बाद में शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है सभी को, इसलिए ये पहले आएगा, और क्योंकि यही इसके क्वालिफायर, याद है
क्या कहा था आपसे, पहला सेंटेंस ढूंढने के बाद उसको क्वालिफाइड ढूंढना है, उसका यही मतलब होता है, कुछ अलग से नहीं ढूंढना होता है, बस वही है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फुल फॉर्म में लिख दिया, सारा कुछ वही रहता है, बदलता कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी निगाहें पैनी रखनी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो वर्ड देखा, ये वर्ड देखा, नंबर टू, ये दोनों हो गए, तो भाई इनको काट दो पहले, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा, ये भी सॉल्व हो गया। अब कौन कौन से बच्चे, उन्हें देखना फटाफट से, एक है बट, यहां पर दिस लिखा हुआ है, यहां पर भी दिस लिखा हुआ है, और यहां पर इंडियाज वरीज पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या कर सकते हैं भाई। अब हमें ढूंढना है अगली चीज भाई, यहां से मैं पूरा का पूरा पढ़ता हूं, आगे पढ़ता हूं, तो यहां पे लिखा है डिसरप्शन कॉज्ड बाय द यूएस, जो भी है, और आगे पढ़ा तो कहां है भाई, आपको दिखेगा यहां पर, और कहीं दिख रहा कुछ इसमें, दिस कुड हर्ट इंडिया बट इट्स इंपैक्ट इज डिफिकल्ट टू इतना, और एक यहां पे लिखा है ग्लोबल मेन्यू डिसरप्टेड। जरा ये वाला पोर्शन देखो, इसके साथ जाओ 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 जाओ, अगेन आपको फिर से क्या मिल गया यहाँ पर, डिसरप्टेड, ले लो ये बात, इसके बाद है ना, अब इसको जमाना शुरू कर रहे हैं भाई, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, वो भी छोड़ो जरा, पूरा सेंटेंस में जो मुझे अलग से दिखेगा मैं लगाता चले जाऊंगा, यहाँ पर लिखा है पूरा का पूरा क्या, ग्लोबल वैल्यू चेन, वहाँ पर पूरी क्या लिखी है, ग्लोबल वैल्यू चेन, और कहीं कुछ लिख रहा है यहाँ पर इस तरह से, दिस कुड हर्ट इंडिया बट इट्स इम्पैक्ट इज डिफिकल्ट टू असेस, इतना 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 इतना, और यहां देखो जरा क्या लिखा हुआ है, यहां देखो, यहां पे क्या लिख दिया, सच चेंज। कुछ समझ में आ रहा है आपके, धीरे धीरे जो समझा रहा हूं आपको, आपके सामने तीन सेंटेंस रख दिए मैंने, ध्यान से देखेंगे, यहां पर डिस्क्रिप्शन था और ये आगे कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर लगने का मतलब क्या होता है, जो कनेक्ट करता है, ठीक है, दो सेंटेंस मैंने हटा दिए, बाकी मैं दिमाग लगा रहा था, बाकी मैं दिमाग कैसे लगाया, वो शब्द ढूंढे जो वहां पे कॉमन है, इसको ही पढ़ा तो डिसरप्शन मिला, इसको ही पढ़ा तो लास्ट में क्या मिला है, डिसरप्शन, मतलब या तो ये उसके बाद आएगा या तो वो इसके बाद आएगा, ये तो मेरे पास है, मुझे ढूंढना है कि कौन किसके बाद आएगा। आगे यहां पर मैंने एक और चीज क्या ढूंढी है, कि यहां पर उन्होंने चेंज लिखा है और यहां पर पूरा उसका नाम लिखा है, क्या आपको समझ में आ गया, फिर से वही नाउन प्रोनाउन की कहानी, फिर से वही फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की कहानी, तो बताओ जरा मुझे कौन सा शॉर्ट फॉर्म होगा, बनी बात है ये पूरा का पूरा ग्लोबल वैल्यू चेन है, ये हो गया फुल फॉर्म, लेकिन बार बार ग्लोबल वैल्यू चेन नहीं लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा उसे, शॉर्ट में, याद है सच बताया था मैंने, सच क्या करता है, प्रोनाउन होता है, याद है बताया था मैंने, वहां पर देखना पहला वीडियो, वहां पर लिखा है मैंने, सच भी एक तरह का प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आता किसके लिए, एक नाउन के लिए, नाउन का मतलब क्या होता है, एक नाम लिखा होना, तो ये नाम लिखा है ग्लोबल वैल्यू चेन पूरा का पूरा, जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड पूरा का पूरा उसके लिए किया था यूज ट्रेड को, उस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके लिए, सिर्फ अगले बार में क्या लिखा मैंने, सच चेंज, क्योंकि बार बार उसे नहीं लिखूंगा, तो नाउन को रिप्लेस करें उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन, यानी कि अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि अब देखो डिसरप्टेड डिसरप्टेड, या तो मैं इसको जमाऊं या तो मैं इसको जमाऊं इसके साथ, किसको किसके साथ जमाओगे, आपको क्या दिख रहा है, क्या आना चाहिए, कई लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे, देखो जरा, दिस कुड ऑल्सो मीन ग्लोबल वैल्यू चेंज वुड बी डिसरप्टेड बट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द, इस तरह से जमाने की कोशिश करते जो बिल्कुल गलत था, कैसे मालूम चला मुझे, अरे सिर्फ इतना ही नहीं था ना, इसमें एक चीज और क्या थी डिसरप्शन के अलावा, वो तो इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें एक और चीज क्या थी, नाउन, और उसको रिप्लेस किसने किया, प्रोनाउन ने, तो हम क्या करते हैं, पहले नाउन लिखा जाता है और फिर प्रोनाउन लिखा जाता है, इसका मतलब ये कि पहले आपको ये अरेंज करना है, उसके बाद आपको ये अरेंज करना है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये ऐसा होगा और फिर उसके बाद, फिर क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी लिखा है तो पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे और उसके बाद फिर किसको लिखोगे, इस वाले डिस्क्रिप्शन को लिखोगे, क्या फ्लो समझ में आ रहा है, यानी कि फ्लो देखो जरा फिर से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला सी पहले फिर उसके बाद, क्योंकि उसने रिप्लेस किया तो बी उसके बाद में और फिर उसके, क्योंकि डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, हाँ अब मैच कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आपका, एफ, यानी ये तय हो गया कि सी बी और एफ बिल्कुल इसी तरह से आएंगे, अब बच गया आपका ए, तो भाई दो तरीका है, या तो मैं लिख दूं यहां पर, देखो जरा ये पूरा ईडी तो है ही है वहां पर, ठीक है, तो या तो मैं सीधे लिख दूं सी बी एफ और जो ए बच गया उसको लास्ट में लगा दूं, इसी पे डाउट है मेरा, या तो फिर इस ए को उठाऊं और यहां पे लगा दूं और ये शुरू में अभी भी ईडी है, ठीक है, और ये सी बी एफ हो गया, क्योंकि ये तो तीनों साथ में आएंगे, तो भाई अब ए की जगह पता करनी है कि या तो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिक्कत, ये तीनों साथ में आएंगे, ये आपने देख लिया है, ये शुरू के दो एक साथ में आएंगे और शुरू में ही रहेंगे, ये भी आपने देख लिया, अब सिर्फ तरीका बचा क्या है कि या तो ए को लास्ट में रख दो या तो इसमें रख दो, कैसे मालूम करोगे, तो आपको दिक्कत कहाँ है, उसको डी के बाद जमाना है, ठीक है, तो दोनों चेक कर लेते, पहले डी के बाद चेक कर लेते, भाई डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी कहाँ है, ये रहा डी, ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मैंने लिखा है इम्पोर्ट्स, क्या लिखा है मैंने, इम्पोर्ट्स, और किसको अरेंज करना है हमें, ए को, उसमें देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट, अरे समझे कि नहीं समझे कुछ, यहां पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट और यहां पर इन्होंने लिख के दिया है मुझे
इम्पोर्ट्स, मालूम है ना, इम्पोर्ट के बाद ही क्या आएगा, एक्सपोर्ट अगेन। यानी कि बिल्कुल ठीक जैसे डी अरेंज किया था, डी के बाद ही किसका आंसर लगेगा, ए का। तो ये डी है तो सही वाला कौन सा आंसर है, ये वाला हो गया गलत, क्योंकि डी के बाद ही क्या मिलना चाहिए, ए, क्योंकि डी में लिखा है किसका, क्या यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, इम्पोर्ट को, तो पहले इम्पोर्ट आता है बाद में एक्सपोर्ट आता है, और एक्सपोर्ट की भाषा किसमें लिखी हुई थी, ए में। यानी सही आंसर क्या बनेगा इसका, ई डी ए सी बी एफ। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो ये वाकई में आसान रहता है, बस आपको थोड़ा सा नजर पैनी करनी है, मुझसे आप सीख रहे हैं उस चीज को, है ना। तो आपने जो भी आंसर किया था उसे मैच करना बार 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 बार, इस तरह से जैसे मैंने किया है ना। देखिए जरा वो कीवर्ड्स, सिर्फ उन कीवर्ड्स को पकड़ता हूं मैं और बाकी पूरा सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, और उसमें भी मैं डाउट नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे बाकी चीज भी देखनी है, फिर उनको भी देखता हूँ। इसीलिए आपको पढ़ना तो इसे गौर से है ना, लेकिन टाइम उतना नहीं लगाना है, वो बाकी अपने आप दिखता चला जाता है, ठीक है। एक बार पढ़िए, पहला काम है पहला सेंटेंस ढूंढना, फिर उसका क्वालिफायर ढूंढना, उसके बाद ये सब करना, आप बिल्कुल कर जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। मेरी ट्रिक्स, ये ट्रिक्स लगाइए, अपने आप काम कर जाएंगे। क्लियर है गाइज, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कंप्लेंट बॉक्स में, कंप्लेंट कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर लिख करके बता देना। ओके, थैंक यू।